लास्ट वीडियोस में हमने कैटेगरीज ऑफ प्रिपोजिशंस के बारे में जाना, जिसमें हमने देखा कि कितनी ही वैरायटी के प्रिपोजिशंस होते हैं जो कि सेंटेंस में लगते हैं। एक ही टाइप का प्रिपोजिशन अलग अलग सेंटेंस में लग के उसके मीनिंग को चेंज कर देता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा प्रिपोजिशन कब लगा रहे हैं, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है डिटरमाइन करने के लिए कि हम पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा प्रिपोजिशन लगाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ कॉमन एरर्स की जो कि यूजुअली सेंटेंस को फ्रेम करते टाइम पे हो जाती है प्रिपोजिशन लगाने में। तो कुछ हमने प्रिपोजिशंस ली हैं, टू वर्सेस इन। यूजुअली क्या है, ये दोनों ही जो प्रिपोजिशन है बहुत ही कंफ्यूजिंग है। एक ही सेंटेंस में टू भी लग सकता है और इन भी लग सकता है, लेकिन हमें टू कब लगाना है और इन कब लगाना है वो हमें सेंटेंस क्या बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें पता पड़ेगा। तो टू हम कब लगाएंगे, जब कोई भी मूवमेंट हो रहा होगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वहीं पे हम इन कब लगाएंगे, मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट इनटू अनदर पॉइंट, मतलब एक चीज़ दूसरी जगह पर जा रही है लेकिन उसके अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे हम लगाएंगे एक चीज़ दूसरी, ये मान लीजिए एक पानी है, अभी कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसे जा रही है तो ये भी क्या है, मूवमेंट है। तो ये टाइप का जो मूवमेंट रहेगा वहाँ पे हम इन या फिर इनटू लगाएंगे। वहीं पे जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कोई भी चीज़ ऐसे जा रही है तो ये भी मूवमेंट है, तो यहाँ पे हम टू लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एट और टू। अब टू हम कब लगाएंगे, जब मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो क्या है, स्टैटिक है। तो जब हमारी वर्ब स्टैटिक रहेगी तब हम एक ही सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम एट लगाएं या फिर टू लगाएं। तो उस कंडीशन में हमें ये देखना है कि मूवमेंट क्या हो रहा है। मूवमेंट अगर हो रहा है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो हम टू लगाएंगे। वहीं पे मूवमेंट अगर नहीं हो रहा है फिर भी, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ गई है तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। इसका सिंपल हम देख सकते हैं, अराइव हमारी क्या है, स्टैटिक वर्ब है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ वहाँ पे पहुँच रही नहीं रही है, पहुँच चुकी है। तो कोई भी चीज़ जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँच चुकी है तो मतलब नो मूवमेंट, तो नो मूवमेंट के केस में हम एट लगाएंगे। और मूवमेंट जब हो रहा होगा तो हम टू लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि हमें किसी भी पर्सन को परमिशन देनी हो, ठीक है, किसी भी चीज़ का एक्सेस देना हो, कोई भी चीज़ ग्रांट करनी हो, ये सिचुएशन है हमारी। तो अभी इस सिचुएशन में हम कौन सा प्रिपोजिशन लगाएंगे, टू लगाएंगे या फिर ऑफ लगाएंगे। तो इन दोनों ही चीज़ों में जब हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ बिलोंग कर रही है किसी दूसरी चीज़ को, वन थिंग बिलोंग्स टू अनदर थिंग, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं जिसमें हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अब ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। अब ये सेंटेंस में हमें प्रिपोजिशन लगानी है। क्या सेंटेंस है, आई वेंट डैश लंडन लास्ट ईयर, मैं पिछले साल लंदन गया था। अब
इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मोशन हो रहा है, ठीक है। अभी जब मोशन हो रहा है तो हमें ये देखना है कि ये किस टाइप का मोशन, मोशन मतलब मूवमेंट, इसको हम मोशन या फिर मूवमेंट, ठीक है। अभी ये जो मूवमेंट है वो किस टाइप का मूवमेंट है, हो चुका है कि हो रहा है या हुआ था, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में हमें क्या पता पड़ रहा है, आई वेंट डैश लंदन लास्ट ईयर, पिछले साल, वेंट यानी कि ये क्या है, हमारी वर्ब है जो कि हमें मूवमेंट बता रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इस कंडीशन में हम क्या लगा देंगे, टू, आई वेंट टू लंदन लास्ट ईयर। और इसमें क्या मिस्टेक हो जाती है कि हम कभी कभी इन भी लगा देते हैं, तो वेंट क्या है, मूवमेंट है, तो हम इन नहीं लगाएंगे। इन हम कब लगाते, अगर लंदन में कोई सिचुएशन होती या लंदन से रिलेटेड कोई बात होती। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई अराइव्ड डैश द एयरपोर्ट लेट। अब इस सेंटेंस में हमारा जो वर्ब है वो क्या है, स्टैटिक है, ठीक है। तो जब हमारा वर्ब स्टैटिक रहेगा तो उस केस में हमारी प्रीपोजिशन क्या लगेगी, एट। अभी क्या है, ये जो सेंटेंस है इसमें भी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारी वर्ब है वो क्या है, स्टैटिक फॉर्म में। तो जब हमारी वर्ब स्टैटिक फॉर्म में रहेगी तो हम प्रीपोजिशन एट लगाएंगे बजाय टू के, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, आई स्टेड डैश माई ब्रदर्स हाउस लास्ट नाइट। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, परमिशन ग्रांट हो रही है कि मैं अपने भाई के घर लास्ट नाइट रुका, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस दिया जा रहा है। तो जब हम एक्सेस देंगे यानी कि जो वर्ब है वो हमें बता रहा होगा ग्रांट या फिर एक्सेस, तो उस केस में हम कौन सी प्रीपोजिशन लगाएंगे, एट या फिर टू। लेकिन यहाँ पे क्या है, मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जब मूवमेंट नहीं हो रहा है और एक्सेस ग्रांट किया जा रहा है तो उस केस में हम कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, एट ना कि टू। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस इज द की डैश माई रूम। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि एक्सेस दिया जा रहा है चाबी का, तो इस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, टू, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, मूवमेंट नहीं था इसलिए हमने एट लगाया था और परमिशन दी जा रही थी। यहाँ पे भी हम सिस की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज ग्रांट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट है, दिस इज द की टू माय रूम। That's all for today. If you like my today's video, subscribe to my channel, press the like button and share with your friends. Thank you.